हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लासेस में हमने बात की थी चिंतन की. चिंतन क्या है, व्हाट इज़ थिंकिंग, टाइप्स ऑफ थिंकिंग, हाउ इट हेल्प्स, किस प्रकार से चिंतन जो है हमें सहायता प्रदान करता है. तो उससे ही रिलेटेड एक टॉपिक हमारा रह गया था, विच इज़ साइंटिफिक एंड सोशल साइंटिफिक थिंकिंग, वैज्ञानिक एवं सामाजिक वैज्ञानिक चिंतन क्या है, इसके बारे में हम आज जानेंगे. ये एक प्रैक्टिकल टॉपिक है, यानी कि अभी तक आप साइंस और सोशल साइंस पढ़ते आ रहे हैं जूनियर क्लासेस में, आपके जो करिकुलम में जब आप छोटे थे तभी से ये शुरू हो गया था. थर्ड फोर्थ क्लास से ये शुरू हो जाता है, साइंस एंड सोशल साइंस. क्यों ये ज़रूरी है, क्या इस तरह का जो चिंतन है वैज्ञानिक एवं सामाजिक वैज्ञानिक चिंतन जो है उसका क्या अर्थ है, इसका क्या महत्व है, और किस तरह से शिक्षक जो हैं इस तरह के चिंतन करने में बच्चों की हेल्प करता है, इसको हम डिस्कस करेंगे. सो लेट्स डिस्कस फर्स्ट अबाउट सोशल साइंटिफिक थिंकिंग, यानी कि सामाजिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण. सामाजिक विज्ञान आपके सिलेबस में, आपके करिकुलम में काफ़ी छोटे क्लासेस से इंक्लूड कर दिया जाता है, और इसके पीछे क्या दृष्टिकोण रहता है, क्या थिंकिंग, क्या एटीट्यूड रहता है, इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे कि क्या, क्यों बच्चों को साइंटिफिक तरीके से समाज के बारे में बताया जाता है. वैज्ञानिक, सामाजिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण बच्चों का क्यों चेंज किया जाता है. सो सोशल साइंटिफिक थिंकिंग इज़ अ लेडर टू अंडरस्टैंड प्रॉब्लम्स ऑफ सोसाइटी और वर्ल्ड रियलिटी. सोशल साइंटिफिक थिंकिंग जो है हमें पूरे विश्व के बारे में एक सच्चाई की ओर हमारा दृष्टिकोण दिखाता है. इट टेल्स अस अबाउट द वर्ल्ड वाइल्ड वर्ल्ड रियलिटी. इट इंट्रोड्यूसेस वेदर इट इज़ सोशल साइंस की बहुत सारी ब्रांचेस हैं, स्ट्रीम्स हैं, आपने बचपन से ही पढ़ी है, यू नो इट बेटर इन अ बेटर वे. हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, नाउ डेज इकोनॉमिक्स इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ सोशल साइंस. सो अगर हम आज के सिनेरियो की बात करें, आज के समय में इतिहास, भूगोल, सामाजिक शास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, आपका अर्थशास्त्र, और जो वातावरण है या फिर इन्वायरमेंट स्टडीज़ है, वो सभी सोशल साइंस के ही पार्ट हैं. और इसके पीछे जो का जो उद्देश्य है वो यही है कि बच्चों के बीच में इस तरह का जो दृष्टिकोण है, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है समाज के प्रति, वो उजागर हो. जो पुरानी कुछ आपके हिस्टोरिकल इवेंट्स हुए हैं उससे कुछ न्यू रिसर्चेस की जाएं, उस पर खोज की जाएं, और तथ्यों को इकट्ठा करने के बाद, एक नया तरह की इन्वेंशन करने के बाद, वो जो गलतियाँ इतिहास में हुई हैं वो ना हो, या कुछ फैक्ट्स के आधार पर किसी सिविलाइजेशन को बच्चों को आगे पढ़ाया जाए, हड़प्पा संस्कृति, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं. और उसके साथ साथ ज्योग्राफी में आप ज्योग्राफिकल कंडीशंस के बारे में पढ़ते हैं, फिज़िकल पॉलिटिकल कंडीशंस, राजनीतिक सीमाओं के बारे में, या फिर दो देशों की सीमाओं के बारे में, पूरे विश्व की सीमा के बारे में, अन्य देशों की सीमाएं, राज्य, इस तरह से आप ज्योग्राफिकल कंडीशन से रूबरू होते हैं ज्योग्राफी के थ्रू. और आपका जो टेम्परामेंट है, वैज्ञानिक जो दृष्टिकोण है इस धरती के प्रति, वो आपका चेंज हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है. उसमें आप एक साइंटिस्ट की तरह सोचना शुरू करते हो, एक सामाजिक वैज्ञानिक की तरह आपका जो टेम्परामेंट है वो बन जाता है. आप किसी पुराने ओल्ड कॉन्सेप्ट को या फिर रूढ़िवादिता को भुला कर नए सिनेरियो में जीने शुरू कर देते हो, क्योंकि जो आपकी सोच है, यानी कि आपका जो दृष्टिकोण है, वो एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण बन जाता है समाज के प्रति. देन अगेन आपका जो राजनीतिक शास्त्र है वो भी आप सामाजिक विज्ञान के अंदर पढ़ते हो, आपका नागरिक शास्त्र है, सिविक्स हैं, वो भी आप इसके अंतर्गत पढ़ते हो. किस तरह से समाज में रहना है, क्या नॉर्म्स हैं, फसलें, जितना भी आपने सामाजिक विज्ञान से अभी तक सीखा है, आप
उसके बारे में यहाँ पर शेयर कर सकते हो, उसको डिस्कस कर सकते हो, किस तरह के फ़ायदे आपको हुए हैं सामाजिक विज्ञान पढ़ के, वॉट टाइप्स ऑफ फीचर्स यू गॉट आफ्टर रीडिंग सोशल स्टडीज़ और सोशल साइंस, बोथ आर डिफरेंट. सोशल साइंस इज अ ब्रॉडर टर्म, स्टडीज इज अ शॉर्ट टर्म. वेन वी से सोशल साइंस, इट हैज़ सो मैनी सब पार्ट्स, सो मैनी अदर वेरियस पार्ट्स, हिस्ट्री, सिविक्स, जोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंटल साइंस एट्सेट्रा. सो दिस इज ऑल अबाउट द सोशल साइंटिफिक थिंकिंग एंड द रोल ऑफ अ टीचर हेयर. एक अध्यापक का क्या कार्य है? बच्चों के अंदर जो साइंटिफिक टेम्परामेंट है उसको जागृत करना, जो उनके सिलेबस में सब्जेक्ट मैंशनड है, सिलेबस जो है उसके अकॉर्डिंग उनको एक्टिविटीज़ करवा कर, हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स दिखा कर और उनकी जिज्ञासाओं को शांत करना, ये सब कुछ संभव हो पाया है सोशल साइंटिफिक थिंकिंग के कारण, ताकि जो बच्चे हैं वो भविष्य में कोई गलती ना करें और अपनी भौतिक सीमाओं को, फिजिकल कंडीशंस को, अपने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को, वर्ल्ड वाइड जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है उसको जान पाएँ. सो यू कैन राइट इट इन अ प्रैक्टिकल वे जो अभी तक आपने सोशल साइंस में सीखा है. टीचर प्लेज एज अ रोल ऑफ गाइड, मेंटर एंड एज अ काउंसलर. सो यहाँ पर जो अध्यापक है बच्चों को सही दृष्टिकोण प्रोवाइड करवाता है, गिव्स द रियल एटीट्यूड, रियल साइंटिफिक थिंकिंग टूवर्ड्स एनी सोशल साइंटिफिक रिलेशंस. और वी कैन से दैट सोशल साइंस जो है इट डेवलप्स द माइंड ऑफ अ सोशल साइंटिस्ट, अ नॉर्मल ह्यूमन बींग. सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान पढ़ने से जो बच्चों की सोचने की क्षमता है उसका जो विकास है वो होता है, एक सर्वांगीण विकास हम बोल सकते हैं. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द साइंटिफिक थिंकिंग. चलिए बात करते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण के बारे में, वैज्ञानिक चिंतन के बारे में, किस तरह से वैज्ञानिक चिंतन करवाया जाता है कक्षा में और क्या फ़ायदा है इसके, बच्चों को क्यों करवाया जाता है. ये वेरी प्रैक्टिकल टॉपिक, आप बचपन से साइंस पढ़ रहे हैं, छोटे क्लासेस में ये शुरू हो जाता है और साइंस पढ़ाने के पीछे एक ही जो लॉजिक है वो रहता है कि बच्चों के जो टेम्परामेंट है वो एक इन्वेस्टिगेटिव टेम्परामेंट रहे, यानी कि वो एक अनुसंधानकर्ता बने, जो जिज्ञासा है बच्चों के अंदर, चीज़ें कैसी हैं, क्यों ऐसा हो रहा है, बारिश हो रही है तो क्यों हो रही है, रेनबो बन रहा है तो क्या लॉजिक है, उन सब के जो आंसर्स हैं वो साइंस के अंदर बच्चों को मिलते हैं, चाहे वो फिज़िक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, बायो हो, ये सब कुछ आपका साइंस यानी कि विज्ञान के अंदर, भौतिक, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान के अंतर्गत बच्चों को बताया जाता है. एक ही लॉजिक होता है कि बच्चों का जो अंदर जितनी भी क्यूरियोसिटी है यानी कि जिज्ञासा है उनको दूर किया जाए और उनको एक इन्वेस्टिगेटर बनाया जाए, वो खुद से करके सीखें, एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू केमिकल रिएक्शन को देखें, या फिर अगर वो भविष्य में अगर वो डॉक्टर, इंजीनियर जो बनना चाहते हैं, यही उनका बेस रहता है. सो अगर बात करें साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन में किस तरह के फेजेस रहते हैं, तो आपको बचपन से ही आपको इंक्वायरी बेस्ड जो चिंतन है वो करवाया जाता है, आप सीखते हो, इंक्वायर करते हो. सपोज़ आपका टॉपिक है वाटर साइकिल, तो वाटर साइकिल कैसे बनता है, जल चक्र क्या है, ठीक है, और जल चक्र बनने किस तरह से बनता है, जल चक्र यानी कि जो वाष्पीकरण के बाद, वेपर्स के बाद जो क्लाउड्स बनते हैं, देन ब्लैक क्लाउड्स जो हैं वो बर्स्ट होते हैं, फिर रेन होती है, वो रेन जो है वो रिवर्स में जाती है, पॉन्ड में जाती है, इस तरह से किस किस तरह से एक जो जल चक्र है वो पूरा होता है, वाष्पीकरण, बादलों का बनना, फिर उनका टकराना, फिर बारिश के तौर पर गिरना बूंदे, फिर उससे पौधों को जल मिलना, फिर बायोसाइंस, फिर वो पौधा जीव के जीवन के लिए पानी बहुत ज़रूरी है, इस तरह से ह्यूमन बीइंग के लिए भी, इस तरह से रिलेट करके बच्चे एनालाइज करते हैं, देन इन्फ्रेंस यानी कि किस तरह से ये प्रयोग में आया, किस तरह से इसका यूज़ है, देन आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट में आर्ग्यू करते हैं टीचर एंड स्टूडेंट्स मिलकर कि इस तरह से अगर
हम बोल सकते हैं रिकैप्चुलेशन एंड इवैल्यूएशन वाला ये फेस रहता है, जहाँ पर बच्चे रिकैप्चुलेट करते हैं जो उन्होंने सीखा, देखा, प्रैक्टिकल एनालाइज किया, उसको फिर वो शेयर करते हैं, डिस्कस करते हैं. वहीं अगर हम क्रिटिकल थिंकिंग साइकिल की बात करें, एक आलोचनात्मक या फिर एक विशेष तरह का चिंतन का जो सर्कल है, चक्र है, वो किस तरह से कार्य करता है, वो है रीजनिंग, कारण क्या है, इवैल्यूएशन करना, प्रॉब्लम को सॉल्व करना, समस्या को पहले कारण को जानना, अगर रेनबो बन रहा है तो क्यों बन रहा है, किस तरह से बन रहा है, इवैल्यूएट करना, कितने कलर हैं, सब कुछ जानना, बैकग्राउंड जानना, जो किस तरह से बन रहे हैं, फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या का हल करना, डिसीजन मेकिंग, फिर डिसीजन मेकिंग एनालाइज करना इन लास्ट में. सो इस तरह से एक क्रिटिकल थिंकिंग साइकिल रहता है साइंटिफिक थिंकिंग में, वैज्ञानिक दृष्टिकोण में. और इस तरह से बच्चों को छोटे क्लासेस से ही धीरे धीरे बच्चों को हायर कंक्रीट लेवल से एब्स्ट्रैक्ट लेवल की ओर ले जाया जाता है, छोटे से बच्चों का एक ज्ञान देकर बच्चों को बहुत बड़े इन्वेस्टिगेशन या डिस्कवरीज की ओर उनको मोल्ड किया जाता है, ताकि उनको मोटिवेशन मिले, वो और साइंटिस्ट बने, इंजीनियर बने, आपके जो एस्ट्रोनॉट्स हैं, एस्ट्रोनॉट्स बने, स्टार्स के बारे में जाने, जो उनकी खुद की अंदर का कैलिबर है, जिसके बारे में वो ज़्यादा फैसिनेट हुए हैं, ज़्यादा आश्चर्यचकित हुए हैं, उसके बारे में ज़्यादा बच्चों को बताया जा सके. इस तरह से हम बोल सकते हैं साइंटिफिक थिंकिंग जो है, यानी कि वैज्ञानिक जो दृष्टिकोण है, चिंतन है, वो बच्चों का संभव हो पाया है जब पाठ्यक्रम में इस तरह का चिंतन, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को शामिल किया गया है. इससे वो हर चीज़ों को अच्छे से समझ पाते हैं. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मेजर्स फॉर डेवलपिंग साइंटिफिक एंड सोशल साइंटिफिक टेम्परामेंट ऑफ थिंकिंग, यानी कि वो कौन कौन से उपाय हैं जो वैज्ञानिक और सामाजिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास करने में हमें सहायता प्रदान करते हैं. सबसे पहला है इसमें प्रॉपर इन्वायरमेंट ऑफ द क्लासरूम, कक्षा का उचित वातावरण का होना. अगर ये उचित वातावरण होगा, तभी बच्चे जो साइंटिफिक टेम्परामेंट है उनका, वो अच्छे से हो पाएगा, वो विज्ञान के प्रति वो ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे, रुचि लेंगे. नेक्स्ट इज़ मोटिवेशन फॉर द साइंटिफिक लर्निंग एंड कंटेंट, वैज्ञानिक साहित्य या फिर सामग्री के अध्ययन के लिए प्रेरित करना. बच्चों को एक टीचर का रोल होता है कि ऐसी सामग्री प्रोवाइड करवाना जिनसे कि वो साइंस के सब्जेक्ट्स के लिए, एक्सपेरिमेंट्स के लिए अधिक इंटरेस्ट शो करें. प्रॉपर बुक्स प्रोवाइड करना, लैब स्कूल में होनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर होना चाहिए, केमिकल्स एंड ऑल जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी होनी चाहिए स्कूल में. अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एक्सपेरिमेंट्स, एक्सपेरिमेंट्स के लिए, अभ्यास के लिए अवसर प्रदान करना, बच्चों को प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज़ प्रदान करना, एक्टिविटीज़ कंडक्ट करवाना, एक्सपेरिमेंट्स करवाना, जो प्रैक्टिकली थियोरेटिकली वो बुक्स में पढ़ रहे हैं उनको प्रैक्टिकली उनको करवाना. नेक्स्ट इज़ डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट इन द क्लासरूम, क्लासरूम यानी कि कक्षा में लोकतांत्रिक माहौल को बनाए रखना या लोकतांत्रिक माहौल प्रदान करना. अगर लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक अगर एनवायरनमेंट होगा, तो बच्चे बिना किसी फियर के, डर के सीखने के लिए मोटिवेट होंगे, और बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के अगर उनको इंडिविजुअल अटेंशन मिलेगी, तो वो ज़्यादा अच्छे से सीख पाएंगे. अपॉइंटमेंट ऑफ स्किलफुल टीचर्स, एक कुशल या फिर उचित जो उत्साही शिक्षकों को स्थापित करना, उनकी अपॉइंटमेंट करना, ताकि वो अगर स्किलफुल हैं, प्रॉपर खुद रिसर्चर रह चुके हैं, ऐसे टीचर अगर बच्चों को पढ़ाएंगे, स्किल टीचर्स, ट्रेन टीचर्स, बीएड या जिस भी क्लासेस को पढ़ा रहे हैं उसके जो नॉर्म्स है वो पूरा करते हुए ऐसे टीचर्स का वहाँ पर अपॉइंट किया जाना ज़रूरी है, तभी वो बच्चों को आगे सामाजिक या फिर सामाजिक वैज्ञानिक और चिंतन के प्रति उन्हें अवेयर कर पाएंगे. नेक्स्ट इज मेथड ऑफ टीचिंग, जो शिक्षण की जो तरीका है यानी कि विधि है, वो भी बहुत मैटर करती है. एक अच्छे टीचिंग मेथड अगर आप यूज़ कर रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव मेथड, एक्टिविटी मेथड,
साइंटिफिक मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड, बहुत सारे मेथड्स आपने पढ़े हैं, मेथड्स ऑफ इंक्वायरी में. सारे मेथड्स में से जो बेस्ट मेथड आपको लगता है साइंस टीचिंग के लिए, उस तरह के मेथड अगर टीचर यूज़ करें साइंस या फिर सोशल साइंस पढ़ाने के लिए क्लासरूम में, तो बच्चे बहुत जल्दी सीखेंगे. जिनकी जिनका दृष्टिकोण है विज्ञान के प्रति या फिर सामाजिक वैज्ञानिक सामाजिक विज्ञान के प्रति, साइंस एंड सोशल साइंस के प्रति, वो ज़्यादा इंटरेस्ट शो करेंगे, सीख पाएंगे प्रैक्टिकली, इसको कर पाएंगे. यूज़ ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज़, नो प्लेस फॉर ब्लाइंड फेथ. यूज़ ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज़ मीन्स जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं आपकी, जो सह पाठ्यक्रम गतिविधियां हैं, उसका प्रयोग अध्यापक कर सकते हैं. सिर्फ बच्चों को प्रैक्टिक बुक्स तक सीमित नहीं रखना है, एक्टिविटीज़ करवानी है, एक्सकर्शन या फिर फील्ड विजिट पे बोले जा सकते हैं, और प्रोजेक्ट दे सकते हैं बच्चों को, साइंस की एग्जीबिशन दिखा सकते हैं, कोई किसी क्लिनिक पर ले जा सकते हैं, लाइव डॉक्यूमेंट्री दिखा सकते हैं, लाइव डेमोंस्ट्रेशन करवा सकते हैं. इस तरह से करिकुलर एक्टिविटीज़ के साथ साथ को करिकुलर एक्टिविटीज़ को भी शामिल किया जाए. नेक्स्ट है नो प्लेस फॉर ब्लाइंड फेथ, यानी कि जो अंधविश्वास है उसका इसमें कोई स्थान ना हो, अंधविश्वासों से छुटकारा मिले बच्चों को. जो पुराने तरीके थे या फिर पुराने अंधविश्वास थे वो बच्चे इम्बाइव ना करें, उनमें वो ना जाएं, उसको वो ग्रहण ना करें, बल्कि रिसर्च बेस्ड, लॉजिकल बने, एनालिटिकल बने. इस तरह का अगर उन्हें एनवायरनमेंट दिया जाएगा तभी उनका जो दृष्टिकोण है वैज्ञानिक दृष्टिकोण है या फिर सामाजिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है वो अच्छा हो पाएगा. लास्ट वन इज़ सेटिस्फेक्शन फॉर द क्वेरी, यानी कि जो उनकी जिज्ञासा है उसकी जो संतुष्टि है उन्हें वो मिले, जिज्ञासाओं की संतुष्टि, जो उनके अंदर जितनी भी क्यूरियसिटी हैं वो जो भी जानना चाहते हैं वो टीचर उनको अप्रोप्रिएट आंसर कर सकें. इस तरह से ये सारे मेजर्स अगर उपाय अगर हम करें एक विज्ञान की कक्षा में या फिर सामाजिक विज्ञान की कक्षा में, तो बच्चों का जो वैज्ञानिक और सामाजिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है वो अच्छे से विकास विकसित हो पाएगा. सो आज की क्लास में हमने जाना कि वैज्ञानिक और सामाजिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है, किस तरह से कार्य करता है, और क्लासरूम में स्पेशली किस तरह के उपायों को प्रयोग करके हम इस जो दृष्टिकोण को ठीक कर सकते हैं या फिर इसका विकास कर सकते हैं.